हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। और अब हम चैप्टर वाइज सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ यहाँ पर जितने पॉसिबल हैं वो हम यहाँ आपको बता देंगे, और उसी टाइप के क्वेश्चन का PDF आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर पेपर पर भी। पहला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर इस साइड पे इनवर्स का कोई भी फंक्शन आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव यानी dy / dx की वैल्यू, इनवर्स के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे 10 इनवर्स भी हो सकता है, cot इनवर्स भी हो सकता है। 10 इनवर्स के लिए कभी भी आपके पास 1 प्लस और 1 माइनस यहाँ पे कोई भी फैक्टर है, उस फैक्टर को आप एज्यूम करते हैं cos थीटा, क्योंकि cos थीटा ऐसा फंक्शन है जिसके साथ 1 प्लस भी एडजस्ट हो जाता है और 1 माइनस के साथ भी cos थीटा एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने पुट किया इस x स्क्वायर को, यहाँ पे जरूरी नहीं कि x स्क्वायर ही हो, खाली x भी हो सकता है, तो आप x को पुट करेंगे cos थीटा, लेकिन यहाँ पे जो टर्म हमारे पास है दैट इज x स्क्वायर, तो हमने पुट किया x स्क्वायर को cos थीटा। यहाँ से हमने फाइंड किया थीटा की वैल्यू, थीटा कितना हो जाएगा, ये cos जब आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करते हैं तो cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x स्क्वायर के केस पर सब टर्म्स में हमने पुट किया cos थीटा। cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, जहां पे 1 प्लस है वहां आप cos की टर्म्स में यूज करेंगे, जहां 1 माइनस है वहां पे आपने sin की टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया उसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 1 कैंसिल, यहां भी 1 1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हर टर्म को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन करके आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो ये फॉर्मूला फॉर्म होता है प्लस के लिए, और अगर न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस है तो ये फॉर्मूला होता है माइनस के लिए। इसको हम cos थीटा / 2 यानी रूट 2 cos थीटा / 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस tan थीटा / 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा / 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसके लिए, tan pi / 4 प्लस थीटा / 2 के लिए। अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। यहां से हमें मिला pi / 4 प्लस थीटा / 2। व्हाट इज थीटा, थीटा इज cos इनवर्स x स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की y = pi / 2 प्लस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर कभी भी कॉन्स्टेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं उसका डेरिवेटिव जीरो, जब आप हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, हाफ कॉन्स्टेंट है एज इट इज। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर की रिस्पेक्ट में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो दैट इज एक्स 4, लेकिन x स्क्वायर को भी आपको x के टर्म्स में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो ये आएगा यहाँ पर 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इनवर्स के जितने क्वेश्चन हैं कभी भी आपको इनवर्स का फंक्शन गिवन है आप पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, उसके बाद आपने इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो एक तो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब आपको गिवन है इनवर्स फंक्शन टाइप, ठीक है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप ट्राई करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आपको मिल पाए वो सब आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनवर्स बेस भी है ये भी, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 प्लस x माइनस x
this is 1 minus x and under root 1 minus x square. और फाइंड करना है अगेन आपको dy by dx. ठीक है, ये भी इनवर्स का फंक्शन है आपके पास. तो इनवर्स के फंक्शन को पहले हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला फॉर्म करेंगे इसकी टर्म्स में जो साइन की टर्म्स में फॉर्मूला फॉर्म हो जाए. साइन का जो फॉर्मूला आपके पास होता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, साइन अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. तो हम कोशिश करते हैं कि एक टर्म हमें क्या मिल जाए, साइन का मिल जाए और दूसरा क्या मिल जाए, कॉस का मिल जाए. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, लेट x इक्वल टू साइन अल्फा और यहीं पे ले लीजिए अंडर रूट x को साइन बीटा. यहां पे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स x और बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स. अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू साइन इनवर्स x के केस पर हमने पुट किया साइन अल्फा, ठीक है, 1 माइनस. इसको हम क्या काउंट कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बीटा. ठीक है, यहां पे अंडर रूट x के केस पर हम क्या पुट कर रहे हैं, साइन बीटा और ये क्या मिल जाएगा हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक हो गया. अब आपने जब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आपको मिला साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसमें चेंज होता है कॉस स्क्वायर, उसका अंडर रूट किया आपने, दैट इज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. तो ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है किसकी टर्म्स में, साइन की टर्म्स में. किसका फॉर्मूला है ये, अल्फा माइनस बीटा. क्लियर, साइन साइन इनवर्स इससे कैंसिल आउट यानी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा के प्लेस पर क्या पुट करना है हमने, साइन इनवर्स एक्स और बीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स रूट एक्स. ठीक है, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है. अब इस स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x. क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस बिकम्स dy by dx. साइन इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का. जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर और फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट. इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, नाउ दिस इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 1 बाय 2 अंडर रूट. ये x इन दोनों के साथ इंटू होगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा. हाँ ठीक है, अभी इनवर्स वाले क्वेश्चन को हमने कैसे चेंज किया है, साइन अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स होता तो हमने फॉर्मूला फॉर्म करना था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी. तो आपने देखना है कि यहाँ पे फंक्शन आपको क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या एज्यूम करेंगे. ठीक, इसी टाइप से इनवर्स का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 13 फाइंड डिवाइड बाय b. ये भी लगभग उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी हमने किया है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें. आपने क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस का फॉर्मूला फॉर्म करना है और इसको आप लिखेंगे y इक्वल टू कॉस इनवर्स
अपॉन अंडर रूट 3 को सेपरेट कर दीजिए एक्स अलग, सेम यहाँ पर 3 अपॉन रूट 13 अलग और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग। ठीक है, अब हम एज्यूम करेंगे इस टर्म को 2 अपॉन अंडर रूट 13 को कॉस अल्फा और एक्स को लेंगे आप कॉस बीटा। यहां पे अल्फा की वैल्यू कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 और बीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, जब कॉस अल्फा 2 बाई रूट 13 है तो साइन अल्फा कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस 2 अपॉन रूट 13 होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए 1 माइनस 4 अपॉन 13 यानी 3 अपॉन रूट 13, जो कि ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू आपको इसी टाइप से गिवन होगी कि अगर एक आप कॉस एज्यूम करते हैं तो दूसरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन की मिलेगी ही मिलेगी, ताकि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। तो यहां से हमें क्या पुट करना है, y इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिल गई हमें, कॉस इनवर्स, इसको हमने पुट किया कॉस अल्फा के इक्वल, इसको हम पुट कर रहे हैं कॉस बीटा के इक्वल, दिस इज साइन अल्फा एंड दिस इज साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगेन cos of inverse is identity function, so cancel out each other and that means alpha plus beta, what is alpha? Alpha is cos inverse 2 by root 13 and what is beta? Beta is cos inverse x. Now we differentiate with respect to x, that means dy over dx. ये कंप्लीट कॉन्स्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिलेगा, जीरो। इसमें आप कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर दीजिएगा, दैट इज जीरो और यहाँ पे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। सो अवर आंसर इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी इस टाइप का फंक्शन आपको गिवन है, डिफ्रेंशिएट कोई भी एक x का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक x का दूसरा फंक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आप एज्यूम करेंगे फर्स्ट फंक्शन को u, जो भी फर्स्ट फंक्शन आपको गिवन होगा, और सेकेंड फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है उसको आप एज्यूम करेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है du ओवर dv, बट इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, यानी dv ओवर dx। जब ये दोनों वैल्यू हमें मिल जाएंगी, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे du by dx को dv by dx से, तो हमारा आंसर मिल जाए। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है du by dx and dv by dx। तो du by dx के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं u, since u equals to 10 inverse 1 minus x square upon x। 10 इससे कैंसिल हुआ, जब यहाँ पे 10 आएगा सॉल्व करके, 10 कब आएगा, जब साइन अपॉन कॉस होगा, यानी जो अपॉन का टर्म है, अगर हम इसको क्या एज्यूम कर दें, इसको एज्यूम कर दें हम कॉस अल्फा, देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या देगा हमें सॉल्व करके, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि इक्वल होता है आपका साइन स्क्वायर अल्फा के। अब ये साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर अल्फा और उसका अंडर रूट हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, तो यहां से जो हमें यू की वैल्यू मिल गई, यू हमारे पास आएगा टेन इनवर्स टेन अल्फा, दैट मीन्स अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा हम यहां से फाइंड करेंगे, अल्फा इज कॉस इनवर्स एक्स, वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या वैल्यू आ जाएगी, डी यू बाई डी एक्स की डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम डी को सॉल्व करेंगे और वहां से फाइंड करेंगे डी वी ओवर डी एक्स। अब ये फॉर्मूला साइन का जॉइंट एंगल का एक फॉर्मूला है आपके पास, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इस एक्स को लेट एक्स डेल साइन थीटा या साइन थीटा ले सकते हैं आप, देन अगेन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। Therefore, V equals to sin inverse 2 sin theta into cos theta. और किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है sin 2 theta. Again, sin sin inverse identity function, so cancel out. Therefore, 2 theta. और theta के रेट से क्या रख सकते हैं हम, what is theta? Theta is sin inverse of x. अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डी वी ओवर डी एक्स टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था डी यू बाय डी एक्स, क्या लिख सकते हैं हम इसको, देयरफॉर डी यू बाय डी एक्स equals to du by dx du by dv upon dv by dx। हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, du by dx भी और dv by dx भी, दैट इज माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे हम कुछ कर रहे हैं ट्वाइस इंटू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फैक्टर दोनों कैंसिल आउट और आंसर आ जाएगा हमारा माइनस हाफ। ठीक है, जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आपने क्या करना है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप सेकंड फंक्शन को एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन डिवाइड। क्लियर, टाइप है जो लॉग वाले फंक्शन हैं जिसमें y आपको गिवन होता है साइन x होल पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट साइन डी वाई बाय डी। सबसे पहले लॉग वाले फंक्शन में जब भी आपको दो फंक्शन गिवन है बीच में प्लस या माइनस साइन है तो आप डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं करेंगे, आपने पहले इसको एज्यूम करना है फर्स्ट फंक्शन को u और सेकेंड फंक्शन को आप लेंगे v, फिर आप लिखेंगे y इक्वल टू यू प्लस वी इंप्लाइज, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के टर्म्स में तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज यू, आप लिखेंगे सिंस यू इक्वल टू साइन एक्स होल पावर एक्स, कभी भी बेस और पावर दोनों एक्स के फंक्शन हैं तो विदाउट लॉग आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें आपने क्या करना है, लॉग का यूज करना है सेफ्टी लॉग। क्या वैल्यू आएगी, लेफ्ट साइड में लॉग यू किसके इक्वल होगा, जो पावर है वो फ्रंट में
जो बेस है उसके साथ आप लेंगे log sin x, बीच में डॉट लगाया हमने, जो पावर है पहले आपने वो लिखा है, फिर यहाँ पे डॉट लगाया है, जो बेस है उसके साथ आप log यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये पूरा एक फंक्शन काउंट होगा और ये पूरा सेकेंड फंक्शन। अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1 अपॉन u एंड du ओवर dx बाय चेंज u। पहले हम u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फिर u को x की टर्म की। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल, 1 into log sin x प्लस x एज a। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से आपने चेंज रूल अप्लाई करना है, पहले log का फॉर्मूला और फिर sin का फॉर्मूला। डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, u क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो u की जो वैल्यू थी स्टार्टिंग में वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, एंड दिस इज log sin x प्लस x cos x, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमने v को कॉल करना है, क्योंकि v सिंपल फंक्शन है तो v में आपको log लेने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल आपने चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल से जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dv ओवर dx। पहले आपने रूट एक्स के टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 - √x² और फिर हम रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं पावर के फॉर्मूले से तो वो हमें मिलता है 1/√x। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर किया तो x आएगा, इस x को जब आप अंदर इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√x - x² दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। Now we substitute the value of dv by dx and du by dx by second, third to first. We get therefore y dy by dx किसके इक्वल, ये पूरा जो complete value आपने find किया है और जो dv by dx की value आपने find की है from first, second and third, ये हमारा answer complete। बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉग नहीं लेना है, अगर आप यहीं पे लिख देते हैं टेकिंग लॉग तो क्वेश्चन आपका यहीं पे रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ cos y equals to a cos a plus y, then prove that dy over dx equals to cos square a plus y upon sin a। कभी भी dy by dx में जब यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आपको मिल रहा है तो आपने क्या करना है, इसमें आपको रिवर्स करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन में ये किसका काम करता है, डिनोमिनेटर का, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे और ये डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन में यहाँ से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि हमें गिवन है cos y a plus y, तो हम यहां से क्या फाइंड कर रहे हैं, हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, cos y और ये पूरा फैक्टर चला गया अपॉन, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये पूरा y का ही फंक्शन है और ये x है। जनरली हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, दिस इज dx अपॉन dy और किसके इक्वल होगी वैल्यू, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर एज इट इज dy dy ऑफ cos y एंड देन माइनस
cos y as it is and dy dy of cos a plus y. Formula apply कर दिया हमने cos a plus y, cos का derivative minus sin y minus cos y, again cos का derivative minus sin a plus y. और y को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे दैट इज सिंपल वन होल अपॉन क्या है अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई. ठीक, अब हमने ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है ये माइनस माइनस मिलके आपको देगा प्लस क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास dx by dy इक्वल टू साइन a प्लस वाई इंटू cos स्क्वायर और माइनस में है आपके पास cos a प्लस वाई इंटू साइन होल अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई साइन a cos b माइनस cos a साइन b किसका फॉर्मूला होता है दिस इज साइन a माइनस b अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई इस वाई से y कैंसिल. अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिल जाती है dy by dx की वैल्यू दैट इज cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a जो कि हमें प्रूव करना है. तो इस टाइप के एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन है आपके पास तो आपने कैसे पहचान करनी है इसकी कि हमें इसको रिवर्स में सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे x का केवल एक ही फैक्टर है दैट इज x बाकी पूरा फंक्शन किसकी टर्म्स में है वाई के टर्म्स में और cos में स्क्वायर चाहिए. अगर हम इसको यहीं पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि साइन का cos और cos का साइन यही मिलता है डेरिवेटिव तो स्क्वायर कब आता है जब हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं तो हम पहले इसको रिवर्स करके सॉल्व करेंगे यानी हम इसको x में सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे यानी x की वैल्यू आपने फाइंड की इन टर्म्स ऑफ y. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर टाइप का जो टिपिकल टाइप है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा दें ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. एक और देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स टू टू द पावर एक्स प्लस वन इंटू थ्री टू दी पावर एक्स अपॉन वन प्लस 36 पावर एक्स ये है वाई इक्वल टू. ठीक, अब हमने पहले इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है साइन इनवर्स कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको ये जो प्लस वन है इसको आपने सेपरेट कर दिया और टू टू दी पावर एक्स और थ्री टू दी पावर एक्स को सेपरेट 36 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर. अब हम इसको कैसे एडजस्ट कर लें साइन इनवर्स 2 इसको हम कंबाइन कर सकते हैं 6 टू दी पावर x में और ये हो जाएगा आपके पास 6 टू दी पावर 2x और इसको भी हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर दें ट्वाइस 6 टू दी पावर x 1 प्लस 6x होल स्क्वायर. अब आपको देख के पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या एज्यूम करें कि ये कोई फॉर्मूला फॉर्म जाए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी हमें क्या एज्यूम करना है 6 टू दी पावर x को एज्यूम करना है 10 थीटा. यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे 10 इनवर्स 6 टू दी पावर x क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा हमारा नाउ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स दिस इज 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आपका साइन 2 थीटा का. यहां अगर माइनस होता है तो फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का लेकिन अगर अपॉन में प्लस होता है तो वो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है साइन 2 थीटा. साइन साइन इनवर्स अगेन आइडेंटिटी फंक्शन तो कैंसिल आउट दैट मींस y इक्वल्स टू 2
What is theta? Theta is 10 inverse 6 to the power x. Now we differentiate it with respect to x. dy over dx. 10 inverse. 10 inverse ka kya formula hai? 1 upon 1 plus x square. लेकिन x के केस पर क्या यूज कर रहे हैं हम 6 टू द पावर x. अभी हमें यहाँ पे चेंज रूल भी अप्लाई करना है, यानी 6 टू द पावर x को भी आपने डिफरेंशिएट करना है. क्या आएगी वैल्यू? a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है आपका a टू द पावर x log a अपॉन 1 प्लस 6 टू द पावर 2x. ये आ जाएगी dy by dx की वैल्यू. ठीक है, एक क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड है. इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा, देन प्रूव दैट y स्क्वायर d2 y by dx2 माइनस x dy by dx plus y equals to 0. सबसे पहले जब भी आपको x और y किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन गिवन है तो dy by dx कैसे फाइंड करना है? dy by dx फाइंड करना है हमें dy by d theta upon dx by d theta की हेल्प से. तो पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x और y को किसकी रिस्पेक्ट में? theta की रिस्पेक्ट में. तो हमें मिलेगा dx by d theta, that is a sin theta minus में और b cos theta और dy by d theta मिल जाएगा हमें a cos theta और plus b sin theta. ठीक है, अब हम यहां से find कर रहे हैं किसकी वैल्यू? dy by dx की. क्या निकालेंगे आप? dy by d theta अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा. ठीक है, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? डी वाई बाई डी थीटा. डी वाई बाई डी थीटा है आपके पास इसके इक्वल ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन में ये वैल्यू हमने फाइंड की, दैट इज माइनस. अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा. अब अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू किसकी है? ये कंप्लीट वैल्यू है किसकी? y की. a cos theta plus b sin theta, this is x और ये है आपके पास y और किसके इक्वल है? minus x upon y. अब टोटल dy by dx क्योंकि x upon y का फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? y into dy by dx minus x. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एक बार हम y को एज इट इज रख रहे हैं और d2 y by dx2 को डिफरेंशिएट किया. ठीक है, फिर माइनस प्लस. जब आप y को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy by dx का होल स्क्वायर और x को डिफरेंशिएट किया, दैट इज y. ठीक है, अब पूरी इक्वेशन में क्या चेंज है? एक तो हमें यहाँ पे dy by dx का स्क्वायर नहीं चाहिए, यानी dy by dx की हमें क्या रखनी है यहाँ पर? एक वैल्यू पुट करनी. तो dy by dx के प्लेस पर हमने पुट किया x upon y और इक्वल टू में है माइनस वन. ठीक है, इस माइनस वन को भी हम यहाँ में ट्रांसफर करते हैं और y एलसीएम में. ये आ गया आपका x dy by dx और ये उधर जाएगा माइनस y और जब आप लेफ्ट में लाएंगे तो इक्वल टू 0. इसमें एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पे हमारा dy by dx x और y की टर्म्स में ही हमें मिल गया है तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने यहीं पे इसको अगेन x की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया. लेकिन अगर ये x अपॉन y की टर्म्स में ना आकर के थीटा का भी फंक्शन होता
जब आप इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने क्या करना था, पहले आप इसको थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू में आएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, वो फैक्टर जरूर आएगा। उस फैक्टर के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करनी है आपने, जो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। अब इस टाइप के डिफरेंशिएशन बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के, वो आपने सारे के सारे क्या करने हैं, सॉल्व करने, क्योंकि केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप नंबर अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर करना है एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।